माया के घर वालों से बात करने की कोशिश की? उसके घर के लोग नहीं मानेंगे। तो फिर कल बहू को लेकर गांव चलते हैं, क्या कहते हैं ज्योतिषी जी? लेकिन ये लड़की शहर में पलकर बड़ी हुई है, वहाँ पर हमारे पास कोई आधुनिक संसाधन है क्या? नहीं ना, मुझे तो लगता है ये लड़की वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो कुछ समय इसे यहीं पर रहने देते हैं। Thank God. वैसे मामा, ज्योतिष के कहे मुताबिक अब तो स्वाति नक्षत्र वाली मेरी बीवी बन गई है ना, तो इंतजार किस बात का? जायदाद मेरे नाम लिखवा लीजिए ना। अभी उचित समय नहीं आया है, तुम्हारी पत्नी के अन्य गुण भी परखने होंगे ना। मामा जी, वो गुणों की खान है। अरे वाह, इतनी जल्दी तुम्हें कैसे पता चल गया? ये तो पिछले 3 दिन से उसके गुण देख ही रहा है ना। सिर्फ इसका देखना पर्याप्त नहीं है, मुझे भी देखना होगा। देखिए, जो तेरे जैसे मूर्ख के लिए घर छोड़कर चली आई, तो उसके गुण तो देखने ही पड़ेंगे ना। गुण क्या देखेंगे, उसने सिर्फ अपने परिवार का ही त्याग नहीं किया है, अपनी सुहागरात का भी त्याग किया, क्यों है ना? अभी तक सुहागरात नहीं मनी। नहीं मनी, कोई परेशानी? अरे कोई परेशानी नहीं है, आज अगस्त की दशमी, एकादशी, द्वादशी है, आज रात को 12 से 12:30 बजे के बीच सुहागरात के लिए शुभ मुहूर्त है। अब बलदेव, ये क्या है यार? मेरी इज्जत टूटने वाले का साथ दोगे? सुनो समीर, तुम जाकर इसका कमरा सजाओ। इसकी क्या जरूरत है यार? शिशुपाल, मोहिनी, वहां सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एक अनजान आदमी के साथ एक ही कमरे में, मैं तो सोच भी नहीं सकती, मैं नहीं जाऊंगी। ये तो सिर्फ एक नाटक है मोहिनी। आज तक मेरे इस कुंवारे बदन को किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है। बलदेव ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। सुना है कि हर मर्द के भीतर एक जानवर होता है, उसके अंदर का जानवर जाग गया तो मार डालूंगा उसे, उसके जानवर को बाहर नहीं आने दूंगा। बस एक बार तुम मामा को इम्प्रेस कर दो, फिर मेरे पास आ जाना। समीर जी, बोलो। आप तो जानते ही है ना इस बारे में मेरी पसंद क्या है। आपकी बात नहीं काटूंगी, आप कहते हैं तो मैं चले जाऊंगी। बापरे, इनके तो अरमान मचलने लगे। ये तो चली गई, बेकार में मेरे बटन खुलवा दिया। तुम फिक्र मत करो और जाओ। आपके लिए एक गिलास दूध और 2 अंडे मैंने किचन में रखे हैं, वो जरूर ले लेना। तुम मेरे लिए कितना कुछ करती हो। बोलो ना समीर, प्यार के साथ। क्या हो रहा है? इसे फिसलने से बचा रहा हूँ। फिसलने से बचाने के लिए ऊपर बैठा हुआ है ना भगवान? नहीं, बलदेव। ये यहाँ फिसलेगी तो बलदेव वहाँ से कैसे बचाएगा? जैसे बचाना होगा बचा लेगा, तुम्हें बचाने की जरूरत नहीं। समीर, ये तुम्हारी बहन की जैसी है, याद रखना। आओ बेटी, आओ। बधाई हो। अरे क्या है पिताजी, ये आपकी सुहागरात नहीं है, इसकी सुहागरात है। मैं तो बधाई दे रहा था। वो सब बाद में दीजिएगा, चलिए गुड नाइट। मेरा भी गुड नाइट। आइए आइए। अब मैं क्या करूं? समीर, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? वो मैं हिसाब लगा रहा था। हिसाब लगा रहे थे तो कमरे के अंदर जाकर हिसाब लगाओ, जाओ। तुम शर्मा क्यों रहे हो? चलो, मेरी तो ये फर्स्ट नाइट है, और तुम्हारी? दूर रहो। मुझे देखकर तुम्हें कुछ होता थप्पड़ लगाने का मन कर रहा है। ओहो, जब गुस्सा होते हो तो और भी खूबसूरत लगते हो। आई लव यू, आई लव यू। क्या हुआ मोहिनी, बताओ मुझे, इसके अंदर का जानवर बाहर आ गया? क्या बोला? तुम चुप रहो और अपनी मर्दानगी को संभाल के रखो। तुमने इसको, तुम इस पागल को मुझसे दूर रखो। हैं? मैं एक ही लड़की से प्यार करता हूँ और वो है माया। तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा हिसाब तो कर दिया ना। मैं हिसाब के लिए नहीं आया हूँ, बेटे की बात करने आया हूँ। बेटा? अभी तो मना कर रहे हो, उसके साथ सोओगे, बच्चा पैदा हो गया तो बदनामी तो मेरी होगी ना। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर ठीक है। अरे वाह,
तो ये बात है, तुम दोनों मिलके यहाँ खिचड़ी पका रहे हो। हे भगवान, अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया, मैं तुम्हें इन दोनों से बचाऊंगा। मोहू, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। शिशुपाल, छुओ मत, हाथ छोड़ो। कहाँ जाऊँ? मामा के तुम जल्दी चुप जाओ, चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम यहाँ बैठो। ये क्या, तूने दरवाजा खोल रखा है? वो क्या है, गर्मी बहुत है ना। गर्मी है तो एसी क्यों नहीं चला लेता? सुन, एक गधा ताक झाक कर रहा है समीर। बलदेव, तूने खेती तो ठीक से की नहीं, पर भगवान के लिए खानदान की फसल खराब मत करना। अब ये देख, दरवाजा बंद, सुबह मैं ही खोलूंगा। मामा जी सुनिए, अपो मामा। बच गए यार बलदेव, बच गए। बाप रे, ये क्या है? तीन लोगों के साथ सुहाग रात। बाप रे, सुना है महाभारत में एक औरत ने पांच लोगों के साथ सुहाग रात मनाई थी तो उसका नाम पांचाली पड़ गया। हाँ। और तुम लोग तीन तीन लोग मेरे साथ, कहीं तुम्हारा मुझे तीन चाली बनाने का इरादा तो नहीं है? समीर, अरे बाप रे, ए समीर, मामा जी तो फिर से आ गए। भगवान करे अभी इनका स्वर्गवास हो जाए। अरे सबसे पहले तो तुम यहाँ से जाओ, तो मुसीबत है। पहले तुम निकलो। मैं वहीं जाता हूँ जहाँ मेरी जगह। कहाँ जा रहा है? मेरे साथ आ। कहाँ? चल। हे भगवान, ये तुम्हारी फर्स्ट नाइट नहीं है, तुम्हारी फर्स्ट नाइट, तुम मेरी तोड़ दोगे। तुम बीच में क्यों चांस मार रहे हो? तुम निकलो यहाँ से, चलो। अरे बलदेव, कंट्रोल रखना, दोस्त की अमानत है। अरे मैं इसे तुम्हारी बहन समझ कर ख्याल रखूंगा, निकलो यहाँ से। पागल है, निकलो। अरे मर गया रे, बंदा तो सूर्य क्या सोच रहा है, चल कूद। बचाओ, ये क्या है? हम तुम एक कमरे में बंद हो, बहुत गर्मी है, तुम्हें नहीं लग रही? चुप रहो, ए, मेरे सामने नाटक मत करना। अरे ये कोई एक्टिंग नहीं है, रियल लव है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। क्या परेशानी है तुम्हें? परेशानी मैंने पैदा की है क्या? तुम्हारा वो वकील दोस्त है ना समीर, वो भी मुझसे प्यार करता है, एकदम लुच्चा है। पिछली बार जब मेरे सामने आया था ना, तो अपनी शर्ट उतार कर मसल्स दिखाने लगा मुझे। घटिया आदमी। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं नहीं फंसी उससे। ओहो, क्या मुसीबत है ये? प्यार मुसीबत है क्या? सुनिए, क्या है? आपसे एक बात पूछूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे ना? रात को आप मेरे साथ वो सब भी करने वाले हैं? हे भगवान, उठा ले मुझे। बिना दूध पिए ही सो रहे हैं? सो रहा हूं, तो? ठीक है, मैं भी सो जाती हूँ। तुम नीचे सो, मैं ऊपर सोऊंगा। रो जाएंगे? तुम जमीन पर सो, मैं बेड पर सोऊंगा। हाँ। मैं तो कुछ और ही समझ बैठी, लाइफ का एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, एक न एक दिन तो मिलन हो ही जाएगा। जा, चुपचाप जाके सो जा, वरना लात मार के भगा दूंगा। भाग। बुद्ध कहीं का, लगता है रात पर घंटा बजाना पड़ेगा। क्या कर रही हो? मैं तो बीवी होने का फर्ज निभा रही थी। ताना दूर हट मुझसे। हे भगवान, अभी 12:30 नहीं बजे हैं। जब से देखा तुमको,
जाए। थैंक यू। अपने बाल डाई कर लो और मूछें हटा लो तो ऋतिक रोशन लगोगे। अभी तो तुम राकेश रोशन लगते हो। थोड़ा सा बदल के मॉडर्न बन जाओ ना। हाँ। सच्ची फिर लड़कियां तुम पे मरेंगी।